हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी करीब करीब 11 बजने जा रहा है और मैं अभी अपने घर पे ही हूँ और मुझे कुछ काम करनी है, अभी बहुत सारा काम करना है। बेसिकली एक तो काम है कि मेरा आज मुझे अपना पुश्तैनी लैपटॉप बाहर निकालना है। वो पुश्तैनी लैपटॉप क्या है वो आपको पता चलेगा। और ये सब सारा काम करने से पहले मुझे अभी भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त वाली। सो अभी मनोज भी आए हैं तो उनको मैंने बोला है कि ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए। सो ये जो ब्रेड ऑमलेट बन रहा है ये थोड़ा सा अलग ब्रेड ऑमलेट बन रहा है। सो बेसिकली ये मैं आपको वो रेसिपी दिखाता हूँ कि उसको इजीली आप किस तरीके से आप कर सकते हो, जो कि बेसिकली कोई अगर बैचलर है या कोई अगर अकेले रह रहे हैं या कभी भी अगर आपको शॉर्ट पे कोई अगर काम करना है, आपको फट से ब्रेकफास्ट करके आप अपने काम पे निकलना है, तो ये तरीका आप कर सकते हो, ये रेसिपी आप बना सकते हो। ब्रेड, अंडा और मिल्क का यूज़ करके बहुत ही टेस्टी बनता है और क्विक बनता है। सो वही भैया बना रहे हैं तो आपको हम लेके चलते हैं कि वो कैसे बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं। ठीक है, सो ये है हमारे मनोज भैया, आपको तो पता ही है। सो बेसिकली हम लोग मतलब कितना सारा अंडा यूज़ कर रहे हैं? हम लोग 4 अंडा यूज़ कर रहे हैं और ब्रेड, यहाँ ब्रेड है, ये हमने एक ताज़ा सा ब्रेड आज मॉर्निंग में लेके आए थे हम लोग, तो इसी ब्रेड का यूज़ करेंगे और अंडा से ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे। डेफिनेटली अंडा से ही बनता है ब्रेड ऑमलेट, लेकिन देखिए कि ना किस तरीके से बन रहा है। तो भैया ये बनाने में आपको मतलब कितना टाइम लगेगा, मतलब ये क्विक बनता है, कैसे बनता है ये ब्रेड ऑमलेट? तो 10 मतलब 10 मिनट में मैं बन जाएगा ना। तो गाइज ये जो रेसिपी है 10 मिनट में तुरंत बन जाएगा, तो आप देख लीजिए कि ना किस तरीके से भैया बनाते हैं और आप लोग भी ट्राई करिएगा। डेफिनेटली ये टेस्टी भी होता है, मैं इवन आपके सामने दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो भैया चलिए बनाइए आप। ठीक है, तो ये अंडा अंडा इधर फोड़ के रख लीजिए इधर, ऐसा करके यहाँ पे चारों अंडे को ऐड कर दिया जा रहा है। तो आपके हिसाब से मतलब आप जितना एक मतलब ब्रेड खा पाएंगे तो उस हिसाब से आपको यूज करना। तो सबसे पहले यहाँ पे भैया सारे अंडे को एक साथ इसको फेंट ले रहे हैं, जब देख ही सक रहे हैं इसको, तुरंत इसको फेंट ले रहे हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से ये मिल चुका है, ओनली अंडे को, 4 अंडे को ऐसा लिया गया है। और अभी भैया यहाँ पर डालेंगे दूध, डालेंगे थोड़ा सा। तो गैस आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, तो गैस आपको इतना ही दूध यूज करना है, ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही दूध है। और क्योंकि ये जगह बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पे जो अंडा है उसको यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ अंडा हो गया आपका ऐड, देख ही सकते हैं, और यहाँ पर भी अभी इसको मिला देंगे तुरंत, इसको मिला देंगे अच्छे से। और आपको याद रखना कि यहाँ आपको ना आपको नमक यूज़ करना है, कुछ नहीं। हाँ, किसी को अगर स्वीट अगर पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा शुगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नमक मत डालिएगा क्योंकि दूध और नमक नहीं खाया जाता है। सो गाइस, उसके बाद आपको इधर गैस ऑन कर लेना है, तावा लगा देना, अगर आपके पास नॉन स्टिक तावा है तो बेस्ट है। और फिर और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑयल आपको डाल देना है, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको, जैसा आपके पास रिक्वायरमेंट है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बटर है तो अच्छा रहेगा, टेस्ट बढ़ेगा, वैसे ये रिफाइंड ऑयल भी देने से कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट उतना ही सही लगता है इस पर। जैसे भैया मिला ले रहे हैं चारों तरफ, तो चारों तरफ फैल जाए। और अभी वो क्या कर रहे हैं, सो गाइज इसका जो फ्लेम है, ये फ्लेम को आप हाई नहीं करिएगा, इसको आप मीडियम पे रखिएगा, मीडियम पे रखिएगा, इसलिए क्योंकि अगर आप हाई पे रखेंगे तो हो सकता है कि आपका ब्रेड जल जाए, इसलिए मीडियम पे रखिएगा। और भैया इधर कर रहे हैं, तो देखिए क्या करना है आपको, एक एक ब्रेड को ऐसा लेना है और दोनों तरफ आपको ऐसा दोनों साइड ये करके और इसको डायरेक्टली ऊपर रख देना होगा। ये देखिए इसको आप इस तरीके से ब्रेड को दे रहे हो, आपके पास जगह है तो आप उसमें दूसरा ब्रेड भी आप डाल सकते हो। तो आपके पास जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा जगह है, इसको इस हिसाब से आप डाल रहे हो। सो गाइस आप देख ही रहे हो कि ये कितना सिंपल है, जैसे आपने अंडा दिया और इस पे आप फ्राई कर ले रहे हो। तो ये एक तरफ हो जाने के बाद इसको आप पलट दीजिए, मतलब जल्दी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेनी है, देखते रहना कि ये कहीं बैक साइड में जल ना जाए।
और ये अब देखिए ये दूसरा भी हो गया। इसका आप कलर अगर देखेंगे तो बढ़िया से इसका कलर आया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी बची हुई है, तो आपको जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है, दो ब्रेड खाना है, तीन ब्रेड खाना है, या अगर आपके पास बहुत लोग आए हुए हैं तो ये आप क्विकली बनाते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं, आप अपने फैमिली के लिए बना सकते हैं, बच्चों को जो रेगुलरली सेम टाइप के चीज़ खा रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा चेंजेस अच्छा लगता है। और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पहले ब्रेड डाल देते हैं तवा पे और उसके ऊपर फिर अंडा फोड़ते हैं, तो आपको जिस हिसाब से करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ सही लगता है कि थोड़ा सा मिल्क ऐड करके और आप वहाँ दोनों तरफ टर्न करके आप फिर अब तवा पे मतलब डाल रहे हो तो बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब करता है एक को चारों तरफ से ब्रेड जो है, और ये तुरंत तुरंत बन भी जाता है। देखिए मेरा दो ब्रेड बन गया है अभी, और दो ब्रेड भी अब बिठा दे रहे हैं, बस हो गया आज का नाश्ता खत्म मेरा मॉर्निंग का। सो आप देख ही रहे कि कितना जल्दी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उतना देर में मेरा नाश्ता तैयार है। तो भैया ने तो पहले बोला था कि 10 मिनट लगेगा, लेकिन आप तो देख ही रहे हो कि इसमें 10 मिनट भी नहीं लगा। आई थिंक ये साहब 3-4 मिनट में तैयार हो चुका है, अंडा फोड़ना है, ऐड करना है और बना लेना है। सो गाइज मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कि आप अगर इस रेसिपी को आप बनाते तो आप कितने देर में बना सकते इस डिश पे, इस ब्रेड पे, ऑमलेट जो हमने बनाया इस पे, और मैं क्या ऐड करूँ ताकि इसका टेस्ट और बढ़ सके। लेकिन ये क्विकली भी होनी चाहिए, जो बैचलर्स जैसा जल्दी से कर ले और जो भी हाउस लेडीज हैं वो लोग भी जैसा अपना काम जल्दी जल्दी कर सके। सो गाइज मुझे बताइएगा, तब तक मैं इसका खाना वाना जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो मैं कर लेता हूँ। सो गाइज आप देख ही सकते हो कि ब्रेड ऑमलेट कितना बढ़िया बना है, और इसको आप चिली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं, बढ़िया सा टेस्ट है, क्विक बन जाएगा, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सो गाइज सो जैसा मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि हमारा एक पुश्तैनी लैपटॉप है, तो कैसा पुश्तैनी लैपटॉप है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो अभी जस्ट लेके मैं आता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा। सो गाइज ये है मेरा पुश्तैनी लैपटॉप, आप देख ही सकते हो इसका क्या हालत हुआ है। ये सोनी कंपनी का है और आपको देख के थोड़ा लगता होगा कि आखिर ये है क्या, यहाँ पे ये स्टिक्स क्यों लगाए हुए हैं, मैथ स्टिक, इसका ये पूरा निकला हुआ है, ये आखिर ऐसा क्यों है, करेक्ट? इवन ये खुलता भी नहीं है, ये शायद खुलता है लेकिन थोड़ी दिक्कत है। इसका हालत आप देखेंगे इसका क्या हालत है, तो यहाँ से आप देखा चाहिए, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है, इधर प्लास्टिक लगा है, ये सब पूरी तरीके से, यहाँ देखिए इसका होल देखिए, ये देखिए इसका क्या हालत हुआ है। अब देख ही रहे हैं कि इस लैपटॉप का क्या है। सो गाइस ऐसा है कि ये जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप मैंने लिया था जब मैं अपने कॉलेज डेज में था, यानी 2010 की बात है, तो तब मैंने ये कॉलेज पे लिया था, ये तब चला, और जब इंजीनियरिंग जब ख़त्म हुई तब एक क्रैक हुआ था, तो बेसिकली उसके बाद से मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि उस पर क्रैक हुआ और ये फिर काम करना बंद कर दिया था, इसका सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद उसको ठीक करवाए थे लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा था, इसमें लाइंस आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने दूसरा लैपटॉप लिया जिससे मैं अभी एडिटिंग करता हूँ, जो कि डेल का है, और वो लैपटॉप भी काफ़ी पुराना है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। वैसे ये लैपटॉप मैंने उसके बाद से इसको कभी छुआ ही नहीं है। अभी बता देंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और ये ओपन होता है कि नहीं होता है, ये तो मुझे पता भी नहीं है, बस देखा कि लैपटॉप रखा हुआ था तो सोचा कि चलो ठीक है एक बार ऑन करके देखते हैं कि ना क्या क्या है, चलता है कि नहीं चलता है। ओके सो गाइस, तो आप लोग को एक चीज़ देख के ज़रूर क्वेश्चन आपका माइंड में रेज किए होंगे कि ये जो स्टिक्स लगा हुआ है ये किस काम के हैं, ठीक है? इधर से भी आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ लगा हुआ है स्टिक एंड ऑल, ये क्या लैपटॉप है और कैसा इसमें कनेक्शन है, जो भी हो। तो गाइज आप मुझे सबसे पहले तो आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपने रीज़न बताइएगा, जो भी आपका कमेंट रहेगा, जो भी फनी आपका रीज़न रहेगा कि हमने यहाँ पर स्टिक क्यों लगाया। तो गाइज मैं आपको सही तरीका बोलता हूँ कि मैंने क्यों लगाया था। बेसिकली हुआ था कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन पे यहाँ पे एक माइनर सा क्रैक आया था, यहाँ एक माइनर सा क्रैक आया था, और स्लोली स्लोली वो यूज़ होते होते वो क्रैक इतना बढ़ गया कि करीब करीब उसमें लाइक क्या बोलेंगे अर्थक्वेक जैसा इतना बड़ा उसमें दरार आ गया। अब क्या होता है कि जब भी हम
इसका जो शटर जो होता है, इसको जब भी हम इसको अप करते हैं तो उस पोजीशन पे जहाँ ब्रेक था वहाँ से वो अलग ही खुलता है। मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन ये खुलता ही नहीं है, इधर वाला पोर्शन खुल रहा नहीं था, और सिर्फ इधर वाला पोर्शन जब हम इसको उठा रहे थे तो यहाँ से उठ जा रहा था, और ये वाला पोर्शन ऐसा रखा हुआ था बिकॉज इस जगह पे पूरा एक बड़ा सा क्रैक है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने अपने दोस्तों को बोला यार लैपटॉप तो यार देख ऐसा हो गया है फाइनली, अब तो ऐसा हो गया है, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही जस्ट बैठे हुए थे दोस्त लोग के सामने, तो एक दोस्त क्या हुआ ऐसा सुट्टा फूंक रहा था और बस सुन रहा था कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलता हाँ प्रॉब्लम तो है भाई, एक काम कर इसको बेच दे। तो मैं बोला यार बेच तो सकते हैं लेकिन मेरे पास और कोई लैपटॉप है नहीं जब कॉलेज डेज में। तो हमने एक जुगाड़ लगाया, उसी लड़के को बोला जो सुट्टा फूंक रहा था कि भाई अपना माचिस दे दो। तो उसने अपना माचिस निकाला और हमने वही तरीका लगाया जो एक डॉक्टर करता है कि अगर हड्डी जब टूटती है दो जगह से तो जैसे वो जॉइंट लगाता है रॉड लगाता है, सिमिलरली वही चीज़ हमने किया। उसका मैच स्टिक लिया और उसी मैच स्टिक को हमने यहाँ लगा दिया, एक साथ सारे मैच स्टिक को लगाया और एक हमने सेलो टेप लगा दिया। बेसिकली प्लान तो ये भी था कि सामने एक नीम का पेड़ था तो उसका स्टिक भी लगाने वाले थे, नहीं तो वो सही रहता, हम लोग पहले वो प्लान किए थे, लेकिन फिर सोचे कि यार वो तो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रहता है, वो दिखने में भी सही नहीं लगेगा, इवन इतना मोटा मोटा या लंबा सा ये रहेगा। सो ये जो मैच स्टिक रहा ये सेम का है और साइज सेम था तो इसलिए ये लगा दिया। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो मैच स्टिक है इसके आप देख सकते हैं इसकी जो बारूद है वो भी निकल चुका है, ये देखिए ये बारूद सब यहाँ पर प्रिंट हो गया, मतलब स्टिक हो गया। सो ये मैस्टिक भी आज से कुछ 7 साल पुराना वाला है, ठीक है ना, तो तब से ये पड़ा हुआ है और मुझे पता नहीं ये ऑन भी होगा कि नहीं होगा। एनीवे देखते हैं इसका स्टार्ट करके, इसका चार्जर तो हम लोग अभी निकाले थे उधर, तो मैं लेके आता हूँ चार्जर और इसको फिर कनेक्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस ये है जो चार्जर है, अब देख ही सकते हो ये है सोनी कंपनी का चार्जर है, ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये 19.5 वोल्ट का, ये तब आता था, अभी तो सोनी कंपनी ने अपना लैपटॉप निकालने ही बंद कर दिया। वो जब मैंने ये लैपटॉप तब लिया था जब वो नया नया सोनी ने निकाला था अपना लैपटॉप, करीना ऐड करती थी तो तभी हमने लैपटॉप लिया, तो उस समय चला भी था लैपटॉप, और उसके बाद तो इसका सर्विस सेंटर भी नहीं है, शायद अगर है भी तो वो ठीक से चलता नहीं है। तो ये मैं एक बार लगा लेता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं इसका ये पोर्शन है जो कि क्या कंडीशन पे है। ये खोलेगा कैसे करके, अरे यार ये तो पूरा बाहर आ जाता है, ऐसे करके यहाँ पकड़ के हालत पे है कि ऐसा कंडीशन हो कि ये भी लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है ये मुझे नहीं पता। सो गाइस ये तो खुल गया लेकिन आप इसका कंडीशन देख सकते हो, ये सब क्या है, ये सब इसका ऊपर का सब नट उट सब है, ये एक नट है जो आ गया है और आप इसका कंडीशन देख सकते हो, सामने से यहाँ सोनी लिखा पड़ा है, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये कंपनी तब से है और ये 15.5 या 15.6 का ये जब आता था तब से है। और ये कंडीशन देख ही रहे हो, यहाँ लाइट आ रही है, हाँ यहाँ तो लाइट आ रही है, यानी चार्जर सही है, चार्जर सही है, लाइट आ रही है और इसको ऑन भी यहाँ से होता था, देखते हैं इसको ऑन करके क्या कंडीशन है। ओके तो चलिए ऑन किया और यहाँ पर लाइट जली, ओके फाइन, तो पावर तो ऑन हो चुका है। ओके सो यहाँ है विंडो, विंडो 7 काफ़ी पावरफुल वाली है, तो देखते हैं आगे ये क्या कितना दूर होता है। सो गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले इन्होंने मांगा है पासवर्ड। सो ये फोटो भी तभी का फोटो है, कॉलेज डेज का फोटोज है और इसका पासवर्ड क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, नहीं पहली बात तो ये काम ही नहीं करता है, ये देखिए यहाँ मैंने टाइप कर रहे हैं और ये काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तो स्क्रीन आ गया है तो
मैं देखता हूँ कि अगर किसी तरीके से अच्छा एक उसको माउस नहीं है तो ये लगाते हैं, ये यूएसबी वाला जो है यहाँ कहीं लगा के देखते हैं कि काम करेगा। चलिए इधर मैंने ये लगाया और इस माउस से ट्राई करते हैं अगर हाँ तो हाँ ये तो चलिए ये मूव हो रहा है। लेकिन इसमें हम पासवर्ड कैसे लगाएं, यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो रहता है वो कैसे लेके आएंगे। ये तो यूज़र नेम गलत हो रहा है, स्विच यूज़र पे क्या होगा, स्विच यूज़र पे ये सब जगह पे वही है और इधर पे कहीं ऑप्शन शायद नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो हाइब्रिड एंड ऑल चीज़ आ रही है पर इसको कैसे करके ऑन करें, जब तक मेरे पास कीबोर्ड नहीं होगा तब तक ऑन नहीं कर सकता। तो एक बार कीबोर्ड के लिए देखते हैं अगर मेरे पास है कीबोर्ड। सो गाइस अभी तो एक्स्ट्रा कीबोर्ड मेरे पास है नहीं, मैंने पूरा चेक कर लिया बिल्कुल भी नहीं, मैंने इधर उधर सारा जगह देख लिया है। सो अभी क्या करना होगा कि मुझे जाके ही अभी नया कीबोर्ड मैं जा रहा हूँ लेने के लिए शॉप से, उसको लेके आएंगे, उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और तभी ये चीज़ ऑन होगा। सो गाइस नया कीबोर्ड लेके हम लोग आ गए हैं, जस्ट अभी मैं ये लेके आया हूँ, इसको वायर वगैरह खोलेंगे। सो इसको पहले हम खोलते हैं और यहाँ इसको लगाते हैं, पता नहीं इसका लाइट भी नहीं जल रहा कीबोर्ड का, तो देखते हैं कीबोर्ड का तो कम से कम लाइट जलना चाहिए, लाइट भी नहीं जल रही एक्चुअली। दबाते हैं इसके बाद, हाँ चलिए ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। पर तो मैं सबसे पहले इसका जो भी है एक बार टाइप करता हूँ, मुझे तो याद नहीं है पासवर्ड, फिर भी मैं देखता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, इसका पासवर्ड एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये भी गलत बता रहा। सो गाइज मुझे ठीक से पासवर्ड इसका याद नहीं है, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, दो चार पासवर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ वो सब। मेरा लैपटॉप को अभी मैं लॉगिन कर चुका हूँ तो जो पासवर्ड था वो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन इतना ट्राई किए कम से कम नहीं भी हो कम से कम 10-15 पासवर्ड मैंने ट्राई किया इधर उधर से, अपर कैरेक्टर लोअर कैरेक्टर दिस दैट करते हुए फिर मुझे लगा कि कुछ आ। और ये अभी लॉगिन हो चुका है तो जो स्क्रीन सबसे पहले जो लॉगिन होने के बाद जो स्क्रीन मुझे दिखाया तो वो स्क्रीन मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये मुझे सबसे पहले शो कर रहा है, ये देखिए सब देख पा रहे हैं राइट। तो यहाँ सबसे पहले दिखा रही है कि आपका एंटीवायरस जो है वो शायद एक्सपायर हो चुका है, तो डेफिनेटली एक्सपायर हो। और यही मेरा स्क्रीन है, ये तब मैं GTA वाइस सिटी में खेलता था। गाइस एक बात मैं बता दूं कि सोनी का जो बैटरी बैकअप होता है ये बहुत अच्छा होता है, मैं ये मानता हूँ इवन ये डेल से भी अच्छा होता है, क्योंकि जब 4 साल ख़त्म हो गया था तो मेरे कुछ दोस्त लोग थे जिनका डेल का था, एसर का था और लेनोवो का था, तो HP का था। सो उनका बैटरी, उनका जो लैपटॉप का जो बैटरी है वो किसी का 2 साल में ख़राब हो जाता है, किसी का 2.5 साल, किसी का 3 साल, बट मेरा जो लैपटॉप था वो 4 साल के बाद भी मैं देख रहा था उस समय 5 घंटे का बैटरी बैकअप वो लिखाता था। तो मैं इस पर कुछ देखता हूँ कि इस पर क्या किया जा सकता है, इसको थोड़ा अपडेट मार देता हूँ, क्योंकि विंडोज 7 है और विंडोज 7 तो हम लोग यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जितने भी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं वो विंडोज 7 के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका अपग्रेड वर्जन जो है वो विंडोज 7 को सपोर्ट नहीं करता है। सो मैं इसको चाहता हूँ कि इसको विंडोज 10 प्रो में कर दूँ। सो देखते हैं इसको मैं कब करता हूँ, आज कल परसों या जब भी देखता हूँ। सो गाइज आज का जो ब्लॉग है वो यहीं ख़त्म होता है और अभी काफ़ी लेट भी हो चुकी है और कल मैं मॉर्निंग में जाना भी है, मुझे अगारा लेक है यहाँ बगल में, काफ़ी अच्छा सा लेक है, तो कल मॉर्निंग का प्लान है अराउंड 7:30 देखते हैं कल निकलते हैं, और उसके बाद फिर शॉपिंग करने भी कुछ कुछ जगह जानी है और यही सब जो चीज़ें हैं जो कल करनी है। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।